We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello dear friends, myself is Roshni Parikh and today we are going to learn about the problem based on KVL. Now in a previous section we have already learned about the Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. Suppose if you want to recall, then just go to the YouTube inbox and search for the Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law by Roshni Parikh and you will get the link. Now today we are going to learn about the Maxwell loop current method by solving one network. See here, for example, one network is a given. This network having a 3 energy sources which is labeled as a E1, E2 and a E3 and having a 3 loop. Now what is a loop in any network? Loop means a closed path. If I say okay, here a first loop, that is the label as a A, B, G, H, A, that is a one loop. Same way B, C, F, G, B, that is the second loop, and C, D, E, F, C, that is the third loop. Now, if you want to find out the value of an unknown current passing or a supplied by the each battery, if you want to find out the values of unknown current, then how can we solve this network by using the Maxwell loop method? So first step is apply the KVL in each loop. And write the equation. If in this network 3 loop is there, then apply the KVL in each and every loop and write the equation for each loop. सबसे पहले हमें क्या करना है? तो तीनों लूप में हमें KVL अप्लाई करना है और KVL अप्लाई करके हमें इक्वेशन बनाना है. तो KVL क्या था हमारा? व्हाट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ KVL? तो KVL का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि इन एनी नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इज अ जीरो. किसी भी नेटवर्क में कोई भी क्लोज लूप है तो क्लोज लूप का वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. KVL का हमारा स्टेटमेंट क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी लूप, इज जीरो. दैट इज दी अवर स्टेटमेंट ऑफ KVL के कोई भी लूप है तो लूप में वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. मतलब कि कोई भी लूप में जितने भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप शुड बी अ एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी दी जीरो. डैट इज दी अवर स्टेटमेंट ऑफ KVL. तो फर्स्ट क्या करना है कि सभी लूप में हमें KVL अप्लाई करना है. नाउ बिफोर अप्लाइंग दी KVL इन ईच लूप यू हैव टू एज्यूम दी लूप करंट. सबसे पहले आपको लूप करंट एज्यूम करना है. सी हियर थ्री लूप्स आर देयर, तो यू हैव टू एज्यूम दी थ्री लूप करंट. नाउ यू कैन टेक आइदर अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द डायरेक्शन चॉइस ऑफ द डायरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी यू. सी हियर फॉर अ इजीएस्ट मैटर टेक द लूप करंट I1, I2 and I3 इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फॉर द इजीएस्ट मैथड टेक ऑल द लूप करंट इन द सेम डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में आपको लूप करंट लेना है. सपोज इफ आई से कि यहाँ पे तीन लूप है तो तीन लूप करंट आएंगे. तो यहाँ पे मैंने लूप करंट को कैसे लेबल किया? हियर I1, I2 and I3 आर द लूप करंट. नाउ
here I1 that is in a clockwise direction. Same way I have also taken a I2 in the clockwise direction and I3 also in a clockwise direction. You can take a anti-clockwise direction too. इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू कैन ऑल्सो टेक अ वन लूप करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर टू लूप करंट इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डायरेक्शन द डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन यू कि कौन सी डायरेक्शन में आपको लेना है. इधर क्लॉकवाइज लेना है एंटी क्लॉकवाइज लेना है दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू. और इफ आई से के हियर इन अ लूप वन देर इज अ वन बैटरी इज अ देर हियर अ पॉजिटिव टर्मिनल हियर अ नेगेटिव टर्मिनल एंड ऑलवेज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो इन अ फर्स्ट लूप I1 शुड बी फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव. सेम वे इन अ सेकंड लूप हियर E2 इज अ देर एंड E2 हियर अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर अ नेगेटिव टर्मिनल. सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो यहाँ पे आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो एज पर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो. सेम वे हियर E3 इज अ देर हियर अ पॉजिटिव हियर अ नेगेटिव ऑलवेज करंट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव. सो डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव भी ले सकते हो. बट इसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा. सो इजीएस्ट वे टू टेक ऑल द लूप करंट इन द सेम डायरेक्शन. आप एक ही डायरेक्शन में तीनों लूप करंट को ले लो. यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ऑल द थ्री लूप करंट आई हैव टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन ऑल्सो टेक इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन ऑल्सो टेक एज पर द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ ए करंट. सी हियर नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप. तो सेकंड स्टेप इज अप्लाई द KVL इन अ ईच लूप. यहाँ पे तीन लूप है तीन क्लोज पाथ है तो तीनों क्लोज पाथ में हम KVL अप्लाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे. तो सी हियर अप्लाई KVL इन लूप ABGHA. पहले लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे. अब KVL क्या है कि एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप दैट इज दी जीरो. दैट इज दी स्टेटमेंट ऑफ KVL विच आई हैव ऑलरेडी सेड अर्लियर. मीन्स क्या कि सपोज सी हियर इन अ फर्स्ट लूप टू रेजिस्टर्स आर देयर एंड वन बैटरी मीन्स वन सोर्स इज देयर. सो सिंपल आपको एक मैं वे बताती हूँ कि कैसे आपको करना है कि इफ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एट दैट टाइम वो बैटरी का वोल्टेज को नेगेटिव लो और बाकी के जो भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप है उसको आप क्या करोगे तो उसको आप प्लस से दिखाओगे. ये एक वे है. और दूसरा वे क्या है कि इफ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी देन दैट टर्मिनल दैट वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव. कि ये बैटरी वोल्टेज को आप पॉजिटिव लो और बाकी के जो दो एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप को आप नेगेटिव कंसिडर करो. ये दो वे है. आपको कौन सा कन्वीनियंट रहता है वो आप पे डिपेंड करता है. नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इफ माय करंट इज एंटरिंग सी हियर I1 इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो I1 इज एंटरिंग इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. कि I1 कहाँ पे जाता है नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है और पॉजिटिव से बाहर जाता है. ऐसा मेरा फ्लो है. तो नेगेटिव से एंटर होता है तो आपको क्या करना है कि बैटरी के जो भी वोल्टेज है उसको कैसा कंसीडर करना है प्लस साइन से और बाकी के जो एलिमेंट है यहाँ पे R1 और R2 रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस की वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस ले लो. दैट इज दी वन वे. तो सी हियर अप्लाई दी KVL इन अ फर्स्ट लूप. तो सी हियर माई करंट लूप करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू दी E1 फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. मीन्स यू आर ट्रेवल फ्रॉम दी लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल. सो देर इज ए वोल्टेज राइज. सो ऑलवेज कंसिडर अ बैटरी वोल्टेज एज अ पॉजिटिव. सो प्लस 12 इज देयर. सेम वे देन आफ्टर टेक अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर R1 दैट इज दी माइनस. आपको करंट एंटर होता है नेगेटिव में से तो बैटरी वोल्टेज को क्या कंसिडर करोगे प्लस और बाकी के दो एलिमेंट के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप को आपको क्या लेना है माइनस करके. तो माइनस सी हियर अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी 2 ओम रेजिस्टेंस. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस दैट इज दी
what is that is the IR drop. See here I, that is the I1, and value of the resistor, that is the 2 ohm. So here a 2 I1 is there. So minus 2 I1, same way minus, in a BG branch the voltage drop across the R2 resistor. Now see here through the R2 element two currents are flowing. In a branch BG two currents are flowing, I1 and I2. ये R2 resistance है, उसमें से दो करंट पास होते हैं, I1 that is the clockwise direction and I2 कहाँ से जाता है, I1 ऐसे नीचे आता है और I2 ऐसे ऊपर जाता है. तो R2 के अक्रॉस में से दो करंट, R2 में से दो करंट जाते हैं I1 और I2. तो आपको क्या कंसीडर करना है कि ऑलवेज हमारा जो करंट है वो कैसे लेंगे कि 4I1 माइनस I2 हम ऐसे लेंगे. नाउ ऑलवेज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बोथ द लूप करंट I1 और I2, सी हियर टू लूप करंट्स आर देयर, I1 एंड I2. व्हेन बोथ लूप करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सी हियर इन अ सेम डायरेक्शन, बोथ आर फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एट दैट टाइम माइनस साइन इज कंसीडर देयर. यहाँ पे क्या रखना है, माइनस साइन रखना है. सी हियर I1 ऐसे नीचे आता है और I2 ऐसे ऊपर जाता है, तो I1 माइनस I2 होगा. तो R2 के अक्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, IR ड्रॉप. तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 4 है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी 4. और करंट क्या है, I1 माइनस I2. अब आपको होगा कि हमने I2 माइनस I1 क्यों नहीं किया, तो वी आर एज्यूमिंग, सी वी आर अप्लाइंग अ KVL फॉर द फर्स्ट लूप. हम पहले लूप के लिए KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ऐसे एज्यूम करके चलना है कि I1 इज ग्रेटर देन दी अनदर टू लूप करंट, I2 एंड I3. आपका I1 है I2 और I3 से ज़्यादा ही है, आपको ऐसे एज्यूम करना है. डेट्स वाई हियर I1 माइनस I2 इज देयर इंस्टेड ऑफ दी I2 माइनस I1. आप जिस लूप के लिए KVL लगा रहे हो वो लूप करंट एज्यूम करना है कि ऑलवेज अ ग्रेटर देन दी अदर लूप करंट. सो I1 इज ग्रेटर देन दी I2, सो हियर I1 माइनस I2 इज देयर. नाउ अगेन कम बैक फ्रॉम GH ब्रांच, हियर देयर इज अ नो एलिमेंट इज देयर, सो हियर इज इक्वल टू 0. दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन. आपको पता चला कि इन अ फर्स्ट लूप अप्लाई दी KVL, इन अ KVL वन मेथड इज डेट के वैन करंट इज एंटरिंग इन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन कंसिडर डेट बैटरी वोल्टेज एज अ पॉजिटिव. तो उसको क्या लेना है, प्लस लेना है, और बाकी के दो जो एलिमेंट है और बाकी जितने भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कंसिडर करना है, और ऐसे इक्वेशन बनाना है. तो डेट इज माई फर्स्ट इक्वेशन. सो फाइनली प्लस 12 माइनस 2I1 माइनस 4I1 माइनस माइनस प्लस 4I2 दैट इज इक्वल टू 0. सो फाइनली 12 माइनस 2I1 4 और यहाँ पे 6I1 प्लस 4I2 दैट इज इक्वल टू 0. दैट इज दी माई इक्वेशन नंबर 1. सेम वे अप्लाई दी KVL इन अ सेकंड लूप. अप्लाई KVL इन लूप BCFGB. दूसरे लूप में KVL अप्लाई करना है. इसी हियर मैंने जो कहा था वैसा ही याद रखो कि I2 इज़ अ लूप करंट विच इज़ फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मीन्स क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो देखो बैटरी के कौन से टर्मिनल में एंटर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होता है और नेगेटिव में से बाहर निकलता है. तो आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि इफ़ करंट इज एंटरिंग इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एट दैट टाइम कंसिडर द बैटरी वोल्टेज एज अ पॉजिटिव. यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में से बाहर निकलता है तो आपको बैटरी वोल्टेज कैसा कंसिडर करना है, माइनस. सो माइनस इज देयर एंड सी हियर बाकी के जो भी है वो एज इट इज माइनस ही. तो सी हियर इन अ CF ब्रांच द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी R3 रेजिस्टर. नाउ सी इन अ ब्रांच CF ऑल्सो टू करंट I2 एंड I3 आर फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R3.
R3 में से दो करंट पास होते हैं I2 एंड I3। दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? I2 एंड I3 आर दी लूप करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सो माइनस साइन इज देयर एंड यू आर अप्लाइंग द KVL फॉर द लूप 2। सो कंसिडर एज्यूम डेट के I2 इज ग्रेटर देन दी I3, सो ऑलवेज टेक अ I2 माइनस I3, सो माइनस 6 I2 माइनस I3। नाउ इन अ FG ब्रांच देर इज अ R6 रेजिस्टेंस, सो R6 हैविंग अ वैल्यू ऑफ ए 12 ओम एंड अ करंट फ्लोइंग थ्रू दी 12 ओम रेजिस्टेंस डेट इज दी I2, तो माइनस 12 I2। अगेन इन अ GB ब्रांच there is a value of a resistance that is the 4 ohm and two current are flowing I2 and I1, both are flowing in the same direction, so minus sign is there. Now you are applying KVL for the second loop, so consider I2 is greater than the I1, so take I2 minus I1, so minus 4 I2 minus I1 that is equal to 0, so minus 9 minus 6 I2 minus minus plus 6 I3 minus 12 I2 minus 4 I2 minus minus plus 4 I1 that is equal to 0. So finally you will get minus 9, see here, then minus 6 minus 12 and minus 4 that is the minus 22 I2 plus 6 I3 and plus 4 I1 that is equal to 0, that is the my equation number 2. पता चला आपको? Now same way apply the KVL in a loop 3, apply KVL in a loop CDEFC, ये लूप में KVL अप्लाई करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है? बैटरी वोल्टेज से, कि इफ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, जो करंट हमारा लूप करंट ए नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है, तो डेट वोल्ट बैटरी वोल्टेज इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आता है? प्लस 6। बाकी के जो भी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट है उसको नेगेटिव ही कंसिडर करना है। तो नाउ इन अ FC ब्रांच देर इज अ रेजिस्टेंस R3, R3 में से दो करंट फ्लो होते हैं I2 एंड I3, वैल्यू क्या है R3 की? 6, तो माइनस 6। अब क्या करना है? I3 एंड I2 बोथ आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ही है, तो माइनस साइन आएगा उसके बीच में, बट यू आर अप्लाइंग KVL फॉर अ थर्ड लूप, सो कंसिडर I3 इज ग्रेटर देन दी I2, तो आपको क्या लिखना है? I3 माइनस I2। सेम वे इन अ CD ब्रांच 8 ओम रेजिस्टेंस, सो वोल्टेज ड्रॉप विल बी 8 I3 एंड इन अ DE ब्रांच देर इज अ R5 रेजिस्टेंस, सो माइनस 10 I3 दैट इज इक्वल टू 0। सो फाइनली यू विल गेट प्लस 6 माइनस 6 I3 माइनस माइनस प्लस 6 I2 माइनस 8 I3 माइनस 10 I3 दैट इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट प्लस 6 माइनस 6 8 एंड 10 10 एंड 8 18 24 I3 प्लस 6 I2 देर इज अ नो I1 सो दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज द माई इक्वेशन नंबर 3। सो सबसे पहले आपको क्या करना है नेटवर्क सॉल्व करने के लिए, कि जितने भी लूप है उतने लूप करंट एज्यूम करना है। हियर 3 लूप्स आर देयर, देन द 3 लूप करंट I1 I2 एंड I3 आर द 3 लूप करंट एंड एज्यूम फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन आप पे डिपेंड करना है कि आइदर क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, या तो बैटरी दी गई है मीन्स सोर्स दिया गया है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपको लेनी है, सपोज फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यू कैन टेक लाइक दिस हियर फॉर द इजिएस्ट वे। एक ही डायरेक्शन में तीनों लूप करंट को एज्यूम करो। इफ़ यू आर टेकिंग ऑल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेक ऑल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ़ यू एज्यूम टू फ्लो इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो डेट इज़ द इजिएस्ट वे। कोई भी आप ले सकते हो, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि अप्लाई द KVL फॉर द ईच लूप, जितने भी लूप है उसमें KVL अप्लाई करो और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ।
यहाँ पे तीन लूप है तो आपको तीन इक्वेशन मिलेंगे. इफ फोर लूप इज देयर देन अप्लाई द केवीएल इन ईच लूप एंड राइट द इक्वेशन फॉर द ईच लूप. अब केवीएल का स्टेटमेंट क्या है कि इन एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज दैट शुड बी अ जीरो. कि कोई भी क्लोज लूप है तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो यहाँ पे एक मैंने बेस्ट वे बताया आपको, सिंपल वे बताया कि कोई भी लूप है तो सपोज के करंट इज फ्लोइंग, योर लूप करंट इज फ्लोइंग मीन्स एंटरिंग इन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड टर्मिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. एट दैट टाइम कंसिडर दैट बैटरी वोल्टेज एज अ पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कंसिडर करो और बाकी के सब एलिमेंट के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप के आगे माइनस लगा दो तो आपको इजी रहेगा. सेम यहाँ पे क्या होता है कि योर लूप करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड लीविंग फ्रॉम द नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है तो उसको कंसिडर करो माइनस से और बाकी के जो भी एलिमेंट है उसके वोल्टेज ड्रॉप माइनस ही ट्रीट करना है. और ऐसे इक्वेशन सब बना दो तो आपको तीन इक्वेशन मिलेंगे. नाउ यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द अननोन करंट दैट इज द I1, I2 एंड I3 विच इज सप्लाइड बाय द बैटरीज. सो हियर बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड द वैल्यूज ऑफ द I1 दैट विल बी द 2.019 एम्पियर, I2 दैट विल बी द 0.028 एम्पियर एंड I3 विल बी 0.251 एम्पियर विच इज सप्लाइड बाई दी सोर्स E1, E2 एंड E3. तो दिस वे यू कैन सॉल्व एनी नेटवर्क बाई यूजिंग दी KVL बाई अप्लाइंग दी KVL यूजिंग दी मैक्सवेल लूप करंट मेथड. थैंक यू.